खबरasan.com में हूं आपके साथ दीक्षा भारती। इंदौर में नायडू को याद आई वंदे मातरम की सुरीली आवाज, कहा मिशन बना कमीशन। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद और आजादी के पहले भी देश में शिक्षा, मेडिकल, प्रोफेशन, पॉलिटिक्स, इनको लोग एक मिशन के रूप में देखते थे। एमजीआर के बाद में समाज में परिवर्तन आया और सभी ने अनुभव किया होगा कि राजनीति, मेडिकल और पॉलिटिक्स का मिशन कमीशन में तब्दील होकर एक बिजनेस के रूप में शुरू हो चुका है। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह गुरुवार को आयोजित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में हुए इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने 8 मेरिटोरियस स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिए, साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के 215 स्टूडेंट्स को डिग्री दी। उपराष्ट्रपति के अलावा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, लोकसभा के पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्रदेश में पहले भी एक स्टूडेंट के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूं और मुझे याद है कि उस समय महिला ने वंदे मातरम गीत का अलापन किया और मेरे जीवन में मैंने अभी तक उतना सुमधुर वंदे मातरम गाने वाले को सुना नहीं है। उन्होंने वैष्णव यूनिवर्सिटी की तारीफ कर कहा कि 1966 से निस्वार्थ भाव से चल रहे संस्थान ने प्रगति की है। वहीं उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी देश में शिक्षा, मेडिकल प्रोफेशन, पॉलिटिक्स, इनको लोग एक मिशन के रूप में देखते थे। एमजीआर बाद में समाज में परिवर्तन आया और सभी ने अनुभव किया होगा कि राजनीति, मेडिकल और पॉलिटिक्स का मिशन कमीशन में तब्दील होकर बिजनेस के रूप में शुरू हो गया है। Technology, universities, technical institutions, science and research laboratories, agriculture laboratories, Krishi Vijnana Kendras, and culture, dance, music, literature, different organizations meeting as the vice president. So I find there is a one new positive development that more and more our women are coming to the fore. And यहाँ भी मैंने देखा जिनको गोल्ड मेडल मिला उनमें से अधिकांश महिला है। ये बहुत स्वागतनीय। So wherever I am going, to my happiness and pleasure, 65-70% of the gold medalists are girls. That's a positive development in the country. We need to encourage this. इसको और भी प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। इस देश का आबादी में 50% महिला है। तो जिसने सारी दुनिया को ये टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे अन्य विषय हो, सारी दुनिया को ये ज्ञान देने वाला हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हम अपनी शिक्षा में कहीं ना कहीं पीछे भी देखें, जो हमने सारी दुनिया को दिया और बाद में वही सब हमारा लूट गया और उसके बाद अब हम फिर उठकर खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर हम अपनी आदि से और आगे जाने वाले भविष्य तक हमारी दृष्टि हो, ये शिक्षा का मूल मंत्र होना चाहिए। और शायद आज जब आप यहाँ से जाएंगे, अब आपके जीवन के लिए कई रास्ते खुल जाएंगे, आगे की शिक्षा का भी हो, आगे के रोजगार के लिए भी, आपकी अपनी विधा जो है उसमें अपनी क्षमता दिखाने के लिए अनेकों अवसर हैं। मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगी कि मेरे हमारे एक व्यक्तिगत वरिष्ठ थे घर में, मेरे ससुर जी के दोस्त, वो सामान्य घर से ही थे, फिर भी जो कमाते थे उसमें से हमेशा विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थियों की फीस भरने के लिए पैसे देते थे, मगर देते कैसे थे, दान के रूप में नहीं। वो विद्यार्थी को बोलते थे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
मुझे मालूम है मेरे जीवन में मुझे वापस मत करना, मगर ये समझ के ये फीस तुम्हारी भर रहा हूँ कि when able payable, ये वाक्य ध्यान में रख के तुम्हारी फीस भर रहा हूँ। जब तुम एबल हो जाओगे, जब तुम पढ़ लिख करके कुछ कमाने लगोगे, तो समझ लो ये तुम्हें वापस समाज को करना है, दूसरे किसी की मदद करना है। आप लोग जितने हमारे विद्यार्थी हैं जो आज डिग्री ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक उनके लिए अस्मरणीय क्षण है, ऐसी संस्था में जिसने बिना लाभ हानि से 150 साल के लगभग इंदौर शहर और मध्य प्रदेश और देश की सेवा की। मैं समझता हूँ ये गौरव का इंदौर के लिए भी गौरव है। मैं आदरणीय पसारी जी, आदरणीय सारे ट्रस्टी और वो लोग जिन्होंने संस्थान की नींव रखी सालों पहले, मैं समझता हूँ ये ऐसा बिरला ही उदाहरण देश में मिलता है। मैं उनको भी खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनके चरणों में सर रख कर प्रणाम करता हूँ। इस राष्ट्र में जब जब भी बदलाव आया है, जब जब भी परिवर्तन आया है, जब भी नई सोच नया चिंतन आया है, उसकी बुनियाद और कोई नहीं, यह राष्ट्र की युवा शक्ति है। मैं इन्हें नमन करता हूँ, इन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज से आपका जीवन नए सोच के साथ प्रारंभ हुआ है। और सदे गुरुजनों ने जो स्नातकोत्तर की पोस्ट ग्रेजुएशन की आपने जो डिग्री हासिल की है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस संस्था को स्कूल से प्रारंभ लेकर कॉलेज से लेकर आज उस मुकाम पे पहुंची है विश्वविद्यालय। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।